अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका किरमानी ब्रीडिंग फार्म में। हमारे ईमू ने माशाल्लाह ब्रीड कर दी है जी, इनके जो हैं वो बच्चे निकल आए हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे हैच आउट हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह मेल बैठा हुआ है और वो आपको मूव करता हुआ बच्चा भी नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह 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 ज़रूर कहें। और ये देखें जी, ये मेरे बाबा हैं जी, ये आपको दिखाएंगे, आपको शौक करवाएंगे ईमू के बच्चों का। ये देखें जी, ये इतना बड़ा बर्ड है और इतना हैवी वेट होता है, 100 kg का ये बर्ड होता है, लेकिन आप देखेंगे कितने तरीके से उसने अपने बच्चों को जो है ना वो सेफ किया हुआ और परों में छुपाया हुआ जी। ये माशाल्लाह एक बच्चा जो है वो 5 days का है ये वाला, और बाकी कोई अब निकल रहे हैं कुछ। एक बच्चा 7 days का है, क्योंकि ये अंडे जो है वो 7 दिन का गैप दे के देती है और इसका जो हैचिंग पीरियड है वो 60 to 65 days है। तो ये माशाल्लाह इसका सेकंड ब्रीड है। फर्स्ट ब्रीड में इसने 9 eggs दिए थे और 7 बच्चे निकले थे। अब जो है वो सेकंड में इसके माशाल्लाह 6 hatch out हो चुके हैं और बाकी अभी जो है वो निकलने जा रहे हैं जी ये, क्योंकि इतना इतने ज़बरदस्त तरीके से इसने कवर किया हुआ है कि डर लगता है कि अंडा टूट ना जाए इसकी टांगों के नीचे, ये कहीं प्रेशर आके। तो क्योंकि अब बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए अपना शौक। तो ये देखें बच्चा माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत कलर होते हैं जी इनके। और ये 2 साल का अडल्ट हो जाता है, 2 साल में ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। ये आपको 3 बच्चे जो है वो बाहर निकाल के दिखा दिए हमने, और 1-2 और भी हैं, 4 हो गया जी। और ये दुनिया का वाहिद दूसरा परिंदा है जी सबसे बड़े साइज़ में। पहले नंबर पे ऑस्ट्रिच आता है जिसे हम शुतुरमुर्ग कहते हैं, और दूसरे नंबर पे ईमू आता है जी। तीसरे नंबर पे वो कैसा वेरी, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक बर्ड है जी। ये भी एग्रेसिव बर्ड होता है जी, लेकिन इतना नहीं। ये जो फीमेल है वो उसको कवर किया हुआ है, नहीं तो बहुत अग्रेसिव है जी। वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, फितरी अमल है। किसी भी प्रीडेटर से या किसी भी ख़तरे को जो है ये अपना बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये माशाल्लाह बड़े हेल्दी और बड़े एक्टिव माशाल्लाह ये सफ़ा के बच्चे हैं जी, और काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव है जी। बच्चों को बाहर निकालते हैं फिर वो वापस छुप जाते हैं, ठंड भी है। और ये बिल्कुल फ्रेश हैच आउट हुआ, अभी निकला है बिल्कुल, जो इसके पाँव के पास पड़ा है बच्चा, ये बिल्कुल अभी निकले हैं। 2 जो चिक्स हैं ये बिल्कुल अभी फ्रेश निकले हैं। ये देखें जी, अग्रेशन दिखा रहा है, अपना गुस्सा दिखाना चाह रहा है कि निकल जाए अब मेरे केज से बाहर, लेकिन हम डटे हुए हैं जी, हम लोग जो है वो नहीं जा रहे। ये देखें अभी टांग शांग मारेगा प्रॉपर जो है वो, ये देखें जी अटैकिंग पोजीशन में है, और ये बड़ा ज़ोर से मारते भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई वाकया जिससे जो है वो कोई उन्होंने मारा हो या, लेकिन ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। अब कोई अंदर बर्ड बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई अंदर एनिमल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी, जब तक इनके बच्चे जो है वो मेच्योर नहीं हो जाते। तो काफ़ी सेंसेबल बर्ड है ये, ऑस्ट्रिच जितना सेंसेबल नहीं होता, लेकिन ये बहुत सेंसेबल है। ये देखें माशाल्लाह खड़ी हो गई है, और देखें जी ये चिक्स और अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे जी। ये बैठना जा रही है जी, अब ये सारे सबको कवर ऐसे करेगी बड़े तरीके से, सॉरी करेगा, क्योंकि इसमें जो है वो 60 days मेल है बैठता है,
और फीमेल जैसे बाकी बर्ड्स में सारी फीमेल्स अंडों पे बैठती हैं, ईमू में मेल बैठता है जी 60-65। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनक्रेजमेंट मिले और मैं वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं जो मेरे पास एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूं अपना शौक। और बाकी जो है अल्लाह पाक सलामत रखे सारे दोस्तों को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू वेरी मच।